करके जला दिया? जला दी। किसने जलाया? वो पुलिस वाला नहीं जलाया, हम लुध पुलिस वाले ने रिपोर्ट मिली जला दी। उसके बाद में शकील ने कही सर तू भाग जाए यहाँ से, नहीं मैं पकड़ जाऊंगा तू पकड़ जाऊंगा। अरे तो ऊपर हो गया गुराग सर, ब्याह हो तो भी पाच आईडी भी है और क्या नाम है उसका लाइसेंस भी है, उसमें ग्वाजा का ही एड्रेस पे है वो सब कुछ, और इन्होंने जानबूझ के उसको जला दिया। सीधी लड़के की लाश मिली कि नहीं मिली? ना मिली। क्या हुआ? ना मिली, वो मार दियो। बस बात मेरी बात हुई बस इतनी की हुई, उन्हों करो बाप गाड़ी रुको रहा के 50,000 रुपये मांग रहा। कौन मांग रहा है? ये पुलिस वाला बन रहा। हाँ मैं वहाँ से भागया, उसने मुझे 200 रुपये दे थे सर। ये एक कंपनी है यहाँ बल्लमगढ़, उसमें ये गाड़ी पे छोड़ा अभी भेजा है। इस सेठ का जो ये मेन काम है, अच्छा माल को बेच देना, गाड़ी को कटवा देना और ड्राइवर को मरवा देना। मैं पुलिस वाला रोक रहा हूँ बाप। कहाँ? वहाँ में पूना में। पुणे में? पुणे में। और पुलिस वाला मुझे नुकरा अगया तो 50,000 रुपये दे, 50,000 चालान होएगा नहीं जेल जाएगा। ये लड़का यहाँ से गाड़ी भरी है भर के किसी और ने दिए लेके ये गया है, इसको तो मोहरा बनाया, तो इनका सौदाबाजी कहीं हो गया होगा गाड़ी काटने का। ये हमारे साथ वो लड़का है जो कहीं ना कहीं उस गाड़ी पे कंडक्टर था, शकील के साथ में गाड़ी पर उस वक्त मौजूद था। आते जी हमारे तीनों मुलजिम ये हैं, राहुल बल्लमगढ़ नवाबगढ़ का वो फोरमैन, एक लड़का हमारे गांव का जिसका वो रिश्तेदार है। चारों की लाश हम जब 20 दिन तक लगातार देखी है, लेकिन किसी की कभी हिम्मत ये नहीं पड़ी जब तक अनुमति नहीं मिली किसको जला दिया जाए, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान है। दोस्तों एक मेवाती ड्राइवर जिसका नाम शकील है, उसे महाराष्ट्र में जान से मारकर जलाने का मामला सामने आया है, और परिवार और गांव के लोग कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने शकील नाम के मेवाती ड्राइवर को पहले तो जान से मारा और उसके बाद में उसको जला दिया गया। यानी कि शकील की जो मैयत थी, जो उनका शव था, वो गांव भी नहीं पहुंचा, और अब कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उसका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं शकील के साथ एक और उनके साथ कंडक्टर था, कंडक्टर भी फिलहाल गांव में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मेवाती ड्राइवर शकील के साथ क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पहले उनको परेशान किया गया, उसके बाद उन्हें टॉर्चर किया गया, फिर उन्हें जान से मारा गया और फिर उन्हें जला दिया गया। खैर मुस्लिम रीति रिवाज की अगर बातें की जाए तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफनाया जाता है, ना कि उसको आग लगाई जाती है। जबकि मेवाती ड्राइवर शकील के साथ ऐसा हुआ है कि उसको दफनाया नहीं गया बल्कि उसको आग के हवाले कर दिया गया। हमारे साथ गांव के सभी लोग मौजूद हैं, कहीं ना कहीं ये सारे लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिरकार शकील के साथ क्या हुआ, किस तरीके से उसे मारा गया और क्यों उसे जलाया गया। खैर महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब शकील ने कोई गलती की भी थी तो गांव के लोगों को बताना चाहिए था, परिवार के लोगों को बताना चाहिए था और संबंधित थाने को इतला दी यहाँ पे दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नियमों को ताक पर रख कर के एक लड़के की हत्या कर दी गई और फिर उसको जला दिया गया। हम लोग मौजूद हैं राजस्थान के गाँव ग्वालदा में, और ग्वालदा के बैंडा गांव का ये मामला है। हमारे साथ शकील के पापा हैं जो कहीं ना कहीं बेचारे बीमार भी रहते हैं और अब वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ हुआ इनके बेटे के साथ में। बाबा अच्छा क्या हुआ बेटे के साथ में, क्या जानकारी मिली आपको, लड़के की लाश मिली कि नहीं मिली? ना मिली। क्या हुआ? ना मिली, वो मार दियो। हाँ बस बात मेरी बात हुई बस इतनी की हुई, उन्होंने करो बाप गाड़ी रुको रहा के 50,000 रुपये मांग रहा। कौन मांग रहा है? ये पुलिस वाला बन रहा है पुलिस वाला। हाँ और नहीं चालान करेंगे जेल जाओ। वहीं तक बात हुई, इन वाको फोन स्विच ऑफ होगा। अच्छा वहीं से आगे मेरे पास कोई बात ना हुई, फिर मैं आगे वाको कुछ ना मिलू का इस तरीका उसे मिला। तो आपने फोन ऑन करा तो फोन स्विच ऑफ जाता? फोन तो स्विच ऑफ रहा वाका, खुला ही ना अब तक भी ना खुला। अच्छा शकील ने क्या बताया कि मैं पुलिस वालों ने रोका? हाँ मैं पुलिस वाला रोक रहा हूँ बाप। कहाँ? वहाँ में पूना में। पुणे में? पुणे में। और पुलिस वाला मुझे नुकरा अगया तो 50,000 रुपये दे, 50,000 चालान होएगा नहीं जेल जाएगा। ये लो बाप मैं 50,000 रुपये कहाँ से दूँ? तो लड़का अब तक नहीं आया आपका? अब तक नहीं आया। तो मार दिया वे कहाँ से, जला दियो। मार करके जला दिया? जला दियो। किसने जलाया? वो पुलिस वाला नहीं चढ़ाया, हम लुध पुलिस वाले ने रिपोर्ट मिली जला दिया। अच्छा कल मिली?
8 तारीख सांझ को गायब हुई होगी, 7:30 फोन बंद हुए हो। कल आपको पता लगा? कल पता लगा। अच्छा, गली एक छोरा गया फोन ड्राइवर को भेजो, हुआ ने बताई ये बात, आपको भाई जला दिया, नहीं जो आगे कुछ पता ना। अब क्या चाहते हैं पुलिस से, प्रशासन से? भाई हम न्याय चाहते हैं, न्याय तो होना चाहिए कम से कम, हमारे बच्चा जला दियो, नहीं भाई बच्चा तो मिल नो मार दियो तो। हम लोग कुछ भी ना मिलो आपको। कितना बड़ा लड़का था, कितनी उम्र थी उसकी? 19-20 साल का लड़का, 20 साल 19 को, एकदम जवान लड़का था, है ना? हाँ जवान। और शादी भी नहीं हुई उसकी? शादी ना, रिश्ते हुए पड़ो या गुरा अक्सर ब्याह हो तो ईद पाच। अच्छा, अभी तो आगे वो कुछ पता ना है। कितने लड़के हैं आपके? दो हाँ, ये एक और बगैर हाथ को हाथ ना कोई सो भी लूला भी वैसे नू हाथ में टूटा पड़ा दोनों। उस लड़का सही सलामत था, उसे मार के? हाँ वो मार के जला दिया। चलिए, ये हमारे साथ में शकील के पिताजी हैं, जो बेचारे ठीक ढंग से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यही कहा जा सकता है कि इनकी एक अकेली ऐसी संतान थी जो लगातार कमा करके परिवार का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन वो भी अब बुढ़ापे की जो लाठी है वो पूरी तरीके से टूट गई। ये हमारे साथ वो लड़का है जो कहीं ना कहीं उस गाड़ी पे कंडक्टर था, शकील के साथ में गाड़ी पर उस वक्त मौजूद था। अच्छा, क्या हुआ था आपको, कहाँ रोका गया था, किसने रोका था? सर पूना में रोका था, नो एंट्री थी उधर, करा था नो एंट्री वहाँ बत्ती पे, उन्हें कही नो एंट्री इधर, गाड़ी रोक ली, उन्हें कही कागज दो, गाड़ी का गाड़ी कागज दे दे उन लोगों ने। फिर एक पुलिस वाला हमारे बराबर मार बैठ को, उन्हें कही गाड़ी बैक कर लाओ, थाना में लार खड़ी कर दी। हम गाड़ी बैक कर लाया, गाड़ी थाना में लार खड़ी कर दी। उन्हें किया मन सू गाड़ी कागज लेकर थाना से बाहर खड़ी करवा, गाड़ी ड्राइवर से बोला गाड़ी कागज लाओ, शकील से शकील कागज ले गए थे गाड़ी का सर। उन्हें कही अब शकील का फोन ओन छीन लिया था उधर भीतर, उसमें पुलिस वालों ने फोन ओन छीन के शकील आया मेरे पास, मैं बाहर ही था गाड़ी पे, मुझे ले गए थे। फिर शकील ने कही मेरे फोन ओन छीन लिया उधर पुलिस वाला ने, मैंने बतावा मैंने उनने की शकील ने की कंपनी वाला ने फोन करता हूँ मैं, वो पैसे मांग रहा हूँ उनने की। अब फिर शकील ने कही मुझ 26,000 कितने 26,000 12,000 रुपये मांग रहा हूँ मैं और मेरे 10,000 रुपये मेरे जेब में धरा या PSG, फिर वहाँ मोल दे दी PSG। वहाँ की मैं जा रहा हूँ उनके पास पुलिस वाला के पास, मैं फ़ोन लेकर आता हूँ कंपनी को फ़ोन करता हूँ। वह लाया था उनको, उनने फ़ोन दे दिया था सर, फ़ोन दे दो तो उन्हें कही सर वन करो कंपनी वाला ने फोन, कंपनी वाला ने लू करो फोन में लू करो। कंपनी वाला ने की उससे बात हुई थी सर ना, पे तो क्या बात बात हुई थी? शकील से बात हुई थी, पुलिस वालों से बात हुई थी? शकील की बात हुई थी कंपनी वाला ने से। हाँ, तो फिर कंपनी वालों ने क्या कहा, कुछ पता नहीं तुम्हें? सर ये पता नहीं। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में शकील ने की सर तू भाग जाए यहाँ से, नहीं ये मैं पकड़ जाऊंगा, तो पकड़ जाऊंगा, लाइसेंस बंद कर देंगे। हाँ लाइसेंस नहीं है मेरे पास, ये नुकरा हुआ लाइसेंस मान नहीं रहे, मेरे कंपनी में लाइसेंस जमा है वह मान नहीं रहे। तो तुम वहाँ से आ गए? हाँ मैं वहाँ से भाग गया, उसने मुझे 200 रुपये दे थे सर। उसके बाद में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली शकील के? कोई जानकारी नहीं मिली। तो अहमद क्या पता लगा है तुम्हें उसके बारे में? सर मैं फोन ऑन कर रहा था, कोई पता नहीं लगा था सर, मैं दूसरी गाड़ी में बैठ कर आया था। फिर अब जिंदा है कि मर गया है? सर मुझे नहीं पता, जिंदा है मर गया अभी कुछ पता, अभी आके चुका हूँ। चलिए, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में जो गाड़ी पर कंडक्टर थे वो थे जी। क्या नाम है आपका? फजलुद्दीन जी। फजलुद्दीन जी, क्या हुआ शकील के साथ? शकील के साथ सर अब हुआ है जो, वो तो कहीं हद से ज़्यादा हुआ है। शकील एक नया बच्चा है, ड्राइवर है, मैं भी पैसे से ड्राइवर हूँ, और ये एक कंपनी है यहाँ बल्लमगढ़, उसमें ये गाड़ी पे छोड़ा अभी भेजा है। इस सेठ का जो ये मेन काम है, अच्छा, माल को बेच देना, गाड़ी को कटवा देना और ड्राइवर को मरवा देना, यानी उसकी वही ना रहे फिर इंक्वायरी। अच्छा। इसने उसके साथ यही किया, जिसमें एक दो हमारे मेवाती भी शामिल है। इसका मेन टारगेट है राहुल, राहुल को कंपनी का मालिक, कंपनी का सेठ है ये बल्लमगढ़ का, तो ये हर सालाना राहुल मरवाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि माल होता है 20-30-40 करोड़ का, तो इसको हम वैसे भी जानते हैं आमने सामने से, इस राहुल को। तो सीधी सी बात है, जिसमें माल भरवा दिया, बच्चा ये पहली बार ही गाड़ी पर गया जो साहिल नाम का है।
शकील नाम का, ये लड़का यहाँ से गाड़ी भरी है भर के किसी और ने दिए लेके ये गया है, इसको तो मोहरा बनाया है, तो इनका सौदाबाजी कहीं हो गया होगा गाड़ी काटने का, और उस छोरे को इन्होंने पहले ही ठहरा दिया, गाड़ी कटी नहीं और छोरा चला गया। जब छोरे को इन्होंने छुपाने के लिए तब उसमें, अब ये देखो सर, ये तो ऊपर वाले जानते हैं पुलिस प्रशासन इन्होंने खरीदा है या वो पुलिस प्रशासन है ही नहीं, सीधी सी बात है, तो उसको जलवा और दिया, जला दिया, जला दिया। जाहिर सी बात है कि जी आज हमें 40 साल होगा रोड पे चलते चलते, ऐसा आज तक कोई हादसा नहीं देखा, ड्राइवरों की लाश हमने 20 दिन तक लगातार देखी है, लेकिन किसी की कभी हिम्मत ये नहीं पड़ी जब तक अनुमति नहीं मिली किसको जला दिया जाए, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान है, जब अनुमति मिले तभी उसको जला, जबकि उनके पास आईडी है बच्चे की, लड़के के यानी पॉकेट में आईडी भी है और क्या नाम है उसका लाइसेंस भी है, उसमें ग्वालियर का ही एड्रेस पे है वो सब कुछ, और इन्होंने जानबूझ के उसको जला दिया, सीधी सी बात। देखिए थाने से जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट मिली है वो ये है कि शकील का आधार कार्ड इसमें लगा हुआ है जी, इसके अलावा सारी डिटेल इसमें लगाई हुई है जी, मृतक लड़के का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, जब उसकी वो एक्सपायर हो गए जब आधार, अब सवाल ये है कि जब आधार कार्ड है, जब एड्रेस भी उसके ऊपर है, तो उसके बाद में संबंधित थाने को जानकारी क्यों नहीं दी गई, परिवार के लोगों को क्यों नहीं बताया गया कि लड़का मर गया है या फिर जिंदा है, उनको जलाया क्यों गया, ये परिवार के लोगों का सवाल है, ये लोग ये जानना चाहते हैं कि बिना हमारी अनुमति के लाश को जलाया क्यों गया जी। अच्छा मेवात के लोगों के बारे में बताए थे, कौन है मेवात के लोग जो शामिल है? शामिल सब, एक तो इनका कोई रिश्तेदार है, सीधी सी बात है, अपने क्या गांव में नवाबगढ़ पीछे से उठा के, लेकिन फिलहाल नवाबगढ़ है वो, उसकी बहन वगैरह भी है यहाँ इस गांव में, एक लड़का हमारे गांव का जिसने इसको गाड़ी भर के दिए, गाड़ी लाइसेंस से उसके से भरी है ये शकील पे, इस पे बेचारे पे लाइसेंस भी नहीं है, लाइट लाइसेंस से कोई कंपनी माल नहीं देती, तो उसी के नंबर से इसकी गाड़ी भर के इनको इसको दी है शकील को। ये तो यहाँ तक सीमित, सीधा लड़का था, इसको कुछ ही इनकी अपने वो प्रक्रिया चलती रही है, पूना तक इन्होंने सिस्टम बिठा लिया इसको मारने का, माल का भी सिस्टम लगा दिया, कहाँ कटवाना माल, बच्चा तो टहल गया, माल नहीं बिका, इनसे कैसे बिगड़ गई पार्टी से, इसकी सीधी सी बात है जी, हमारे तीनों मुलजिम ये हैं, राहुल बल्लमगढ़ नवाबगढ़ का वो फोरमैन, एक लड़का हमारे गांव का जिसका वो रिश्तेदार है, मुस्तकीम है फोरमैन नवाबगढ़ का मुस्तकीम, उसको पता है सब कुछ, उसको पता, उसी ने भरवाई सारी चीज। चलिए खैर, ये बहुत बड़ी घटना है, दुखद घटना है, क्योंकि मैयत का ना मिलना, डेड बॉडी का ना मिलना, ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ में ड्राइवर कल्याण संघ के कुछ मेंबर भी आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे कि आगे की क्या कुछ रणनीति तैयार की जाएगी, क्या कुछ कार्रवाई करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। जी क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैं मुबारक खान, तावड़ ब्लॉक प्रधान जी, और ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जी। हमारे ग्रुपों में ये पोस्ट वायरल हो रहा था शकील भाई का, गुमशुदा का। अच्छा। 9 तारीख से, तो हमें 11 तारीख को पता चला शकील भाई की बॉडी नाले में मिली है, ये पोस्ट है उसका। तो उसके बावजूद हमने इसके पिताजी से संपर्क किया ग्वालदा गांव में, तो इसके पिताजी से आज मेरी सुबह बात हुई थी, इसने बोला बेटा वहां तो उसकी बॉडी भी नहीं दी, हमारा सारथी भाई ताऊ का लड़का वहां थाने में पहुंचा है, बॉडी के लिए भी बोला है कि उसको दाग लगा दिया गया है, और उसका कंगाल भी मने कर दिया, उसका कंगाल भी नहीं मिलेगा, आपको लाश ही नहीं मिली, लाश भी नहीं मिलेगी, लाश को जला दिया, लाश को जला दिया था। तो सर मैं अपने भाई के दुख के लिए परिवार के ग्वालदा गांव में पहुंचा हूं, ओल्ड कल्याण सिंह भारत से, तो परिवार का दुख देखा है, बहुत अफसोस की बात है, जो परिवार को डेड बॉडी भी नहीं मिली है, और उसका पिताजी कितनी बुरी हालत में आपके सामने है, और ये उसके साथ में हेल्पर है, इसने पूरी दास्तान बिरादरी को बताया है, अपने विचार रखा है, और आपके सामने भी पूरे विचार रखने को जा रहा है। अब क्या चाहते हैं आप? सर इसको इंसाफ मिलना चाहिए, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत इसके इंसाफ दिलाने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर तैयार है, और जहां तक भी हद के लिए हमें जाना पड़ेगा हम परिवार के साथ रहेंगे। चलिए, ये कहीं ना कहीं परिवार के लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जाँच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसके अलावा शकील और शकील के जो परिवार के लोग हैं उनको पूरी तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए। खैर, देखना ये होगा कि इस पूरे मामले की किस प्रकार जांच होती है, क्या वास्तव में शकील को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये वक्त तय करेगा, वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सेफ और सिर्फ भारत टीवी के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ, मैं रिजवान खान, भारत टीवी, मेवात, राजस्थान, ग्वालदा।